सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून, विरोधियों के लिए अलग कानून, ऐसा संभव है क्या? क्या भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जिसकी सरकार है उसके लिए अलग कानून है, जो विपक्ष में उसके लिए अलग कानून है? ये ममता जी, उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ जी, पश्चिम बंगाल में सड़क पर निकली, आपको इसमें सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? आधे लोग मास्क पहने नहीं है, मुख्यमंत्री निकल सकती है, वो भीड़ भाड़ में निकल सकती है। बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यदि सरकार की हिंसक कार्रवाई, जो हमारे कार्यकर्ताओं के मर्डर हो रहे हैं, उसके खिलाफ यदि प्रदर्शन प्रजातांत्रिक तरीके से करती है तो उनके लिए कानून है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्रदेश में दो कानून कैसे है? और अगर हम पे किया तो हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, हम न्यायपालिका में जाएंगे और हमें मालूम है कि पुलिस ने कितनी जातियाँ की है, पुलिस ने बम फेंके, पुलिस ने बस फोड़े, पुलिस ने लातों से मारा है कार्यकर्ताओं को। क्या इस प्रकार का अधिकार है कि किसी कार्यकर्ताओं को पुलिस लात से सड़ेआम चौराहे पे मारे? तो इन सब बातों को लेकर हम भी कोर्ट में जाएंगे और हम मानवाधिकार आयोग में भी जाएंगे, हम महिलाओं के साथ जिस प्रकार की जाति हुई है हम महिला आयोग के पास भी जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।